हेलो गाइज, वेलकम टू अपसर्च प्लेस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्कल्क ब्लॉक, स्कल्क सेंसर्स के कुछ ऐसे यूजर्स जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए पूरे बने रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट गोल है 200 सब्सक्राइबर्स का, तो बिना किसी देरी के चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला स्कल्क सेंसर्स का जो अमेजिंग यूज है वो है डांस फ्लोर का। तो हम स्कल्क सेंसर से एक अमेजिंग डांस फ्लोर बना सकते हैं जो लाइट अप होगी जब आप उसके ऊपर डांस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑड नंबर्स का एक स्क्वायर डिग अप कर लेना है। मैं इसमें 5x5 का करने वाला हूँ। अब हमें इसको 2 ब्लॉक्स डिग करना है डीप, तो हम इसको एक और ब्लॉक यहाँ से डिग कर लेते हैं। सो इतना डिग करने के बाद हमें यहाँ पे स्कल्क सेंसर्स लाइन से लगा देना है। सो इतना करने के बाद हमें इस पूरे एरिया को वूल से कवर कर देना है साइड में। तो चलिए हम वो भी जल्दी से कर देते हैं। सो पूरा वूल प्लेस करने के बाद हमें इसके ऊपर वाटर प्लेस कर देना है। सो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा ही एक तरीके से साउंड प्रूफ हो गया। अब ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इसको एक रेडस्टोन लैंप से सारे एरिया को कवर कर देना है। सो हमारी ये कूल सी दिखने वाली डांस फ्लोर रेडी हो गई। अब हम इसके ऊपर कुछ भी जैसे ही चलेंगे आप देखेंगे कि ये इसी पैटर्न में बिल्कुल ही एकदम वायरलेस लाइट यहाँ पे जल जाती है, जो कि देखने में भी काफी अच्छी लगती है। सो ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैप्शन है आपके सर्वाइवल वर्ल्ड के। सो हमारी जो अगली ट्रिक होने वाली है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इसे आप एक वायरलेस ट्रैप बना सकते हो, जिससे कि आप अपने दोस्तों को मल्टीप्लेयर सर्वर्स में प्रैंक कर सकते हो और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब वो मर जाएंगे। तो ये बहुत ही फनी सा ट्रैप है और बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही सिंपल वे बनाने में। सो चलिए हम इसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3 ब्लॉक्स डिग करना है डीप, और एटलीस्ट आपको 12 ब्लॉक्स दूर तक डिग करना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। सो आप ऐसे 3 ब्लॉक्स डिग कर लीजिए और एटलीस्ट आपको ये 12 ब्लॉक्स तक करना है, आप ये ध्यान रखिएगा। और इतना डिग करने के बाद हमें इसके ऊपर के एरिया को पूरा कवर कर देना है। ऐसा बनाने के बाद आपको बस यहाँ पे 2 TNT ऐसे ऐसे पुट करने हैं और आपको फिर स्नीक करके यहाँ पे स्कल्क सेंसर्स को पुट कर देना। आप यहाँ पे स्कल्क सेंसर को पुट कर दीजिए। आप बहुत ही ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि आप स्नीक करके आगे जाएंगे। सो अब हम लोग को बस ग्लास ब्लॉक पुट करके ऊपर आ जाना है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे कोई रेड स्टोन नहीं है। सो अब जैसे ही यहाँ पे कोई चल के जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा और ये TNT सेट ऑफ हो जाएगा और से रिस्पॉन होना पड़ेगा। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है, इससे आप पता कर सकते हैं आपके मल्टीप्लेयर सर्वर में कि कौन ऑनलाइन है और कौन ऑफलाइन है। इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस सिंपल सी स्कल्क वेन्स की जरूरत पड़ेगी। और ये स्कल्क वेन्स यूज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बस डोर्स पे जाना है और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे आपको स्कल्क वेन्स को पुट कर देना है। और आप जैसे यहाँ पे स्कल्क वेन्स को पुट करेंगे सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं इन डोर्स को खोलता हूँ तो ये स्कल्क वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे किसी भी स्कल्क वेन को जैसे मैंने रख दिया और कोई प्लेयर अंदर है तो मुझे पता चल जाएगा जब वो बाहर आएगा, क्योंकि जब वो बाहर आएगा तब ये स्कल्क वेन टूटेगी और मुझे याद रहेगा कि ये स्कल्क वेन टूट गया तो ये प्लेयर अब ऑनलाइन आया। सो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपके मल्टीप्लेयर सर्वर्स में कौन कौन ऑनलाइन है और कौन कौन ऑफलाइन है, और आप अगर उन्हें किक करना चाहें तो किक भी कर सकते हैं। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके विलेज में कौन कौन से घर खाली हैं और किन किन में विलेजर्स रह रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है ये एक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। इससे आप अपने घर में एक सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हो और आप देख सकते हो अगर आपके घर में कोई भी घुसता है तो। तो इस ट्रैप को बनाने के लिए आपको सबसे पहले नीचे एक डिस्पेंसर लगा लेना है, और ये डिस्पेंसर लगाने के बाद आपको इस घर की रूफ पे जाना है। और आप ये ट्रैप कहीं पे भी बना सकते हो, आप ये अपने दोस्तों को प्रैंक करने के लिए बना सकते हो उनके घर में। फिर आपको यहाँ पे एक स्कल्क सेंसर लगा देना है। स्कल्क सेंसर लगाने के बाद आपको इसके अंदर वाटर बकेट से वाटर डाल देना है ताकि ये आवाज़ ना करे जब भी इसमें कोई भी आवाज़ जाए तो। सो ये बनाने के बाद आपको इसके अंदर बस एक लावा बकेट को रख देना है। सो अब हम चलिए इस घर के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम इस घर के अंदर जाएंगे ये ट्रैप हमारा ट्रिगर हो जाएगा और जब तक हमारे पास रिएक्ट करने का टाइम होगा तब तक हम यहाँ पे मर चुके होंगे। सो हम जैसे कि देख सकते हैं और ये विलेजर भी यहाँ पे जल चुका है इसी ट्रैप में। सो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी ट्रिक है, और इससे आप अपने दोस्तों को मल्टीप्लेयर सर्वर्स में बहुत ही ज़्यादा डरा सकते हो और नाइट टाइम में तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 5x5 का एरिया ऐसे खोद लेना है, और हो सके तो आप इस पर वूल भी लगा सकते हैं, वैसे इसमें वूल की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको इस पूरे एरिया को स्कल्क श्रीकर से कवर कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि बस आपको सेंटर में एक जगह छोड़ देनी है और आपको पूरा एरिया स्कल्क श्रीकर से ऐसे कवर कर देना है। सो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने पूरा एरिया स्कल्क श्रीकर से यहाँ पे कवर कर दिया है। अब बीच में आपको बस यहाँ पे एक स्कल्क सेंसर लगाना है और इसको भी आपको वाटर लॉक कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी आवाज़ ना करे और किसी को पता ना चले कि किस वजह से आवाज़ें आ रही हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस एरिया को आपको ऐसे ग्रास ब्लॉक से कवर कर देना है। और आप देख सकते हैं अगर आप इस एरिया में रात में ऐसे चल के आ रहे होंगे अचानक से आपको वो आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी।
बहुत ही ज्यादा स्केरी। अगर आपको अचानक से ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं रात में तो आप गारंटी डर जाओगे, या आपको पता भी नहीं चले कि वो आवाजें किस वजह से आ रही हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैप्शन है आपको अपने दोस्तों को डराने के लिए। सो हम स्कल्क ब्लॉक्स एक बहुत ही कूल बिल्डिंग आइडिया भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एंड स्टोन, स्कल्क ब्लॉक्स, लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, आपको 4x4, 6x6 या 8x8 का एक एरिया एंड स्टोन से कवर कर देना है। सो हम इसमें 6x6 का एरिया बनाएंगे। सो ये हमने 6x6 का पूरा एरिया बना दिया, अब हम इसको स्कल्क ब्लॉक से पूरा कवर कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको भी इसमें ऐसे ही करना है। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हमारी ये एंडस्टोन जो है, ये मून के सरफेस जैसी लग रही है। और हमारे जो ये स्कल्प ब्लॉक्स हैं, ये हमें स्टार्स का टेक्सचर दे रहे हैं। और जैसे कि ये टिमटिमा रहे हैं तो ये भी देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, और जैसे कि स्टार्स हमारे टिमटिमाते हैं वैसे ये भी टिमटिमा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा बिल्डिंग आइडिया, इसे आप अपने वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप मून की सर्फेस पे हो। तो अगला यूज़ स्कल्प सेंसर्स का ये है कि आप इससे कूल मोशन सेंसिंग लाइट्स बना सकते हैं जो कि जलेंगी जैसे ही आप चलेंगे। सो ये बनाने के लिए आप या तो इसको रूफ पे भी बना सकते हैं या आप इसको ग्राउंड पे भी बना सकते हैं। तो मैं ग्राउंड पे बनाऊंगा। इसको बनाने के लिए आपको बस यहाँ पे 2 ब्लॉक्स डीप डिग कर लेना है, फिर आपके जो सेकंड ब्लॉक है नीचे उसमें यहाँ पे हर तरफ आपको वूल लगा देना है, ऐसे इस टाइप से आपको हर तरफ वूल लगा देना है ताकि ये आवाज़ बाहर ना जाए इससे। और फिर हमें इसमें कल्क सेंसर रख देना, उस कल्क सेंसर रखने के बाद हमें इसे वाटर से भर देना है, और वाटर से भरने के बाद हमें सिंपली इसके ऊपर एक लैंप रख देना है कुछ इस तरीके से। सो ये रखने के बाद हमें थोड़ी दूर जाके फिर हमें यहाँ पे एक और बार यही चीज़ करनी है। जैसे ही हम इसके ऊपर स्टेप रखेंगे ये हमारी जल जाएंगी, जो कि बहुत ही कूल लगता है। और आप इसको रूफटॉप पे भी लगा सकते हो कि जैसे ही इनमें आवाज़ जाएगी ये जल जाएंगी। सो ये मोशन सेंसिंग लाइट आपके वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, आपको इसे डेफिनेटली अपने वर्ल्ड में यूज़ करना चाहिए। सो हम जैसे कि जानते हैं जो हमारी एंशंट सिटी है वहाँ पे काफ़ी सारे स्कल्प ब्लॉक्स स्पॉन होते हैं। सो ये जो स्कल्प ब्लॉक्स हैं इनसे हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपी माइन कर सकते हैं। आपको बस इसे माइन करते जाना है ऐसे, और कुछ ही टाइम में आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपी हो जाएगी। और ये वाली जो एक्सपी गेन करने का तरीका है, ये आपका जेनेरिक जैसे कि हमारे एक्सपी फार्म्स होते हैं, जॉम्बी एक्सपी फार्म या मॉब एक्सपी फार्म, उनसे ये कहीं ज़्यादा बेटर है। और ये एंडरमैन एक्सपी फार्म को राइवल करता है, और एक्सपी गेन रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एंडरमैन फार्म के और इस तरीके से एक्सपी फार्म करने के। सो आप देख सकते हैं मेरे तुरंत ही 10 एक्सपी हो चुकी है। सो आप इस तरीके को डेफिनेटली अपने वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं एक्सपी गेन करने के लिए। हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बताएंगे कि ये जो हमारा स्कल कैटलिस्ट है इसका एक बहुत ही ऑसम यूज़ है एक। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो, और वहाँ पे आपको ऐसे स्कल कैटलिस्टिक प्लेस कर देना है। सो आप देख सकते हैं हम जैसे ही इन दोनों को यहाँ पे मार रहे हैं, वैसे ये हमारे जो स्कल कैटलिस्ट की वजह से जो हमारा, तो देख सकते हैं जैसे कि ये स्कल कैटलिस्ट की वजह से हमारे जो ब्लॉक्स हैं ये हमारे स्कल ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये भी चांस है कि यहाँ पे हमारा स्कल सेंसर, स्कल कैटलिस्ट और एक श्रीकर भी जनरेट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्कल ब्लॉक्स को फार्म करने का, जो कि अल्टीमेटली हमें एक्सपी देते हैं। सो एक तरीके से ये वाला तरीका भी हमें एक्सपी दे रहा है जहाँ पे आपके पास स्कल ब्लॉक्स नहीं है वहाँ पे। और इससे आप स्कल सेंसर्स और स्कल श्रीकर्स को भी फार्म कर सकते हो, इवन आपको इससे स्कल कैटलिस्ट भी मिल सकता है। सो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमारे जो ये स्कल ब्लॉक्स होते हैं ये हमारे नॉर्मल ब्लॉक्स के ऊपर हमारे जनरेट होते हैं। तो हम अगर इन्हें माइन करें तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होता है कि इसके नीचे हमें किसी और की वेन मिल सकती है। सो अब आपको केव में माइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे माइन किया और मुझे यहाँ पे 4 डायमंड ओर्स की वेन मिल गई, और आप इन डायमंड्स को आप माइन कर सकते हैं ईजिली बिना किसी दिक्कत। तो अब आपको केव्स में जाके माइन करने की घंटों ज़रूरत नहीं है, आप बस इन एंशिएंट सिटीज़ में आ सकते हैं। आप स्कल ब्लॉक्स को माइन करिए, आपको साथ में एक्सपी भी मिलती जाएगी, और इस एक्सपी के साथ साथ आप डायमंड्स, गोल्ड और बाकी सारे ओर्स भी पा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट गोल है 200 सब्सक्राइबर्स का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।